बाकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत जी, मैं आपकी बहन और आपकी मुरीद, आपकी बस क्या बताऊँ, अल्लाह ताला को लंबी उम्र दे और अल्लाह ताला इसी तरह आपका फैज हमारे मिले। रूह की बातें सुन के तो रूह बहुत ताज़ा हो जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अज़र जी, मैं एक चीज़ पूछ रही थी कि कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी पहले सीधे आँख में से कोई एक रोशनी सा ऐसा जैसे ट्यूबलाइट का कोई बल्ब है, वो रोशन होके घूम के चला जाता है। और जब मैं सो के उठती हूँ और रात को पढ़ती हूँ, उसके बाद आजकल दूसरी आँख में भी यही चीज़ होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सो के उठती हूँ तो लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह या कलमा पढ़ती हूँ, ये करती हूँ। तो बस नमाज में भी जैसे रोना आता है, अगर हिचकी निकल जाए तो क्या नमाज टूट जाएगी? ये दो उसकी कंडीशन की बात बता दें, अल्लाह ताला आपको जवाब। आमीन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हज़रत से इसकी तफसील समझ। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम से कस्बे फैज करती हैं और आपकी रूह ताज़ा होती है, ज़ाहिर हमारे लिए सदका जारिया है। अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसको शर्फ़ कबूल अता फ़रमाए। और बाकी ये कि नमाज की हालत में रोना अगर आ जाए, और आज जैसे बता रहे कि हिचकी बन जाए, तो उससे नमाज कायम रहती है या नहीं रहती? बिल्कुल कायम रहती है। लेकिन रोना जो है वो अल्लाह तबारक व ताला के शुक्र में या जो है वो खौफ आखरत में यानी अजाब जहन्नम के खौफ से रोना आ जाए, जन्नत के शौक़ या जहन्नम के खौफ से रोना आ जाए, अपने गुनाहों का सब्र करके रोना आ जाए या अल्लाह के नेमतों को सोच कर रोना आ जाए, तो इस रोने पर जो है नमाज फासिद नहीं होती। लेकिन दुनिया की किसी मुसीबत को याद करके रोना आए तो उस पर नमाज फासिद हो जाती है। यदि हिचकी भी बन जाए या आंसू टपकें तो आवाज़ और चीख भी निकल जाए, तो उस सूरत में जो है वो इस रोने से नमाज फासिद नहीं होगी। और बाकी है कि आप जैसे बता रही कि आपकी कैफियत में सीधी आँख से नूर निकलता है, घूमता है, उल्टी आँख से नूर, इसका मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत का ये नूर है जो आपको अता किया जा रहा है। लिहाजा आप जो इत्तिबाए सुन्नत और इत्तिबाए शरीयत पे लगी रहें, इबादत का ज़ौक पैदा करती रहें और जो है सुन्नतों पर आमिल रहें, इंशाअल्लाह ये नूर आपको नसीब होता रहेगा और ये ईमान और आमाल साले पर इस्तिकामत नसीब होगी। मैं भी दिल से दुआ करता हूँ। आमीन।